गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन टुडे वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी हेल्ड इन 1995। 40वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड भी होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु यूज द केव्स ऑफ बार्बर एज द शेल्टर हाउस? तो बराबर जो है वो केव्स के रूप में किसने यूज किया था शेल्टर हाउस के लिए? तो इसका आंसर होगा आजीविका। आजीविका और ये कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्धा के और महावीर के, ये कंटेम्प्रेरी थे और इन्होंने जो है केव्स का यूज जो किया था वो शेल्टर हाउस के रूप में किया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? तो सबसे पहला जो होली बुक था, पवित्र बुक था जैन धर्म का, उसका नाम था बराह अंग। बराह अंग यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बराह अंग। और इसमें जो है बराह अंग जो था वो श्रुता और जना इसका नॉलेज के बारे में कंपाइलेशन था इस बुक के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? तो किस शासनकाल में जो टाउन का डिक्लाइनेशन था वो शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता पीरियड में क्या था कि जो भी टाउन्स थे उनका जो है ओल्ड कमर्शियल सेंटर होने के कारण उनका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था, यानी ख़त्म हो रहा था टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रेवलर इतजिंग टूर ऑफ बिहार इन अबाउट? तो जो चाइनीज ट्रेवलर थे इतजिंग, ये बिहार के भ्रमण के लिए आए हुए थे, और ये कब आए हुए थे? ये आए हुए थे 671 में, 671, और इंडिया में जो पहुँचे थे वो 673 में। तो इन्होंने सी के माध्यम से यानी समुद्र के माध्यम से ट्रेवलिंग शुरू किया था। यहाँ पे चाइना को इन्होंने छोड़ा था 671 में, लेकिन 2 साल लग गए इनको इंडिया पहुँचने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नॉन ऑफ डिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टैक्स इम्पोज ऑन द लैंड प्रोड्यूस? तो लैंड जो भी प्रोड्यूस करता था उस पर टैक्स इम्पोज किए जाते थे, और इसका जो उदाहरण है उसको बोला जाता था फरज। फरज यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और टैक्स लिए लगाया जाता था जो भी प्रोडक्शन होता था मेडिवल पीरियड में उस पर टैक्स लगाया जाता था, इसको खरज बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रूल ऑफ विजयनगर हु कैप्चर कुआ फ्रॉम बहमानाज? बहमानाज से कुआ को कैप्चर कर लिया था, और विजयनगर के पहले रूलर थे, इनका नाम था हरिहर टू यानी ऑप्शन बी हरिहर टू। और जो विजयनगर किंगडम के ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था बहमानी सल्तनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका टाइम पीरियड है 1377। अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, आपको मैच करना है। इसके लिए आपको पाँचों ऑप्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस से काफ़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नील दर्पण देखते हैं जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ई जो है वो सिख से रिलेटेड है, और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ई सिख से रिलेटेड, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, और ए और बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो ऑप्शन ऐसे देखते हैं जैसे कि तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो से रिलेटेड है, दोनों में दिया गया है, इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से देखते हैं नागानंदा जो है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए का होगा टू। तो यहाँ पे ए का टू जो दिया गया है वो सिर्फ डी में दिया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन डिड जहांगीर रेस्पेक्ट विद द टाइटल खान? तो इस इंग्लिश मैन जो थे वो जहांगीर के दरबार में आने पे उनको ये टाइटल दिया था खान, और टाइटल जहांगीर ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस। यानी जो विलियम हॉकिंस थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे और उनको टाइटल मिला था खान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोरा एंड ओपियम? तो सोरा और ओपियम जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कहाँ से मिला यूरोपियंस को? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन
ए, इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए। और जो चीफ जो सेंटर था, मेन सेंटर था बिहार का, और बिहार और बंगाल थे सोरा और ओपियम का, और ये 18वीं सेंचुरी में बनाया जाता था, प्रोडक्शन इसका होता था मेनली बिहार और वेस्ट बंगाल में, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती थी और इसका जो क्वालिटी था प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल इम्प्रेरर टू सीट ऑन मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पे अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य का लास्ट इम्प्रेरर था जिसने मयूर शाह सिंहासन पर बैठा था, और इसके बाद से ये जो सिंहासन था वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था, और उसके बाद से नादिर शाह जो कि पर्शियन इन्वेडर था, इन्होंने सिंहासन को अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ आर वेयर पास्ट इन 1856 में कौन सी लॉ पास हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जो लॉ था विडो रीमैरिज लॉ, जिसको पास किया गया था कि हिंदुओं में दूसरी शादी को लेकर यहाँ पे लॉ बनाया गया था, और जो दूसरा लॉ था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ स्टेट, तो ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ स्टेट, जिसमें जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है कॉन्स्पिरेंसी, 1857 की जो विद्रोह थी उसको कॉन्स्पिरेंसी बताया गया था सर जेम्स ऑटरम के द्वारा, सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर लेबरल पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद से साहूकार, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, तो इसमें जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर्स पार्टिसिपेट किए थे और जो फार्मर थे उन्होंने भाग लिया था। पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवोल्ट ऑफ 1857 अफेक्टेड मेनी टाउन्स ऑफ बिहार, टू सीक्वेंस बताना है कि कैसे बिहार में इसका प्रभाव शुरू हुआ, तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह आप सभी जानते होंगे कि वीर कुंवर सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर जो कि आरआर में पड़ता है, उसके बाद से ये रिवोल्ट पटना में शुरू हुआ, फिर रोहनी, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द ट्राइब दैट रिवेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैन, तो जो मानव की जो सेक्रीफाइस सिस्टम था उसको बैन कर दिया गया था, इसी के लिए ट्राइबल रिवोल्ट शुरू हुआ, तो इसको बोला जाता था खोंद, यानी जो ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम था उसको अपोजिशन के लिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कब बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था सचिंद्र नाथ सयाल के द्वारा, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली, ये तीनों पर्सन जो थे तीनों ने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1924 में। आपको नाम याद रखना है, सत्येंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहता है और इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, और अगर पूछा जाए कि इंडियन वुमेन तो इंडियन वुमेन का हो जाएगा सरोजनी नायडू, इंडियन वुमेन का हो जाएगा सरोजनी नायडू, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है तो एनी बेसेंट, और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता तो इसका आंसर होता सरोजनी नायडू, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1917 में हुआ था, और इसके जो पहले वीमेन कांग्रेस बनी प्रेसिडेंट बनी वो एनी बेसेंट बनी, और इंडियन कांग्रेस के इंडियन वुमेन थी वो थी सरोजनी नायडू जो कि 1925 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 हु फाउंडेड
सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 24 सितंबर 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज वेयर मेनली अनएफेक्टेड बाई स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। 1905 की जो स्वदेशी मूवमेंट थी उससे कौन जो थे वो अनएफेक्टेड थे, यानी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसका जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी फार्मर्स थे उनको प्रभाव नहीं पड़ा, और उसके बाद से इंटेलेक्चुअल थे उनको भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ए प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बिहार वाज सेट अप। तो प्रोविंशियल असेंबली था बिहार के लिए सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1774, यानी ऑप्शन बी। 1774 में बिहार के लिए एक प्रोविंशियल असेंबली सेटअप किया गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ मंडल जो ऋग्वेद संहिता जो है वो किसके लिए आया? तो ये नाइन्थ मंडला ऑफ ऋग्वेद संहिता इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा एंड गॉड हैविंग नेम ऑन हिज बीवरेज। जो नाइन्थ मंडल थी वो ऋग्वेद में कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सोमा एंड गॉड हैविंग नेम ऑन हिज बीवरेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसमें टोटल 114 हिम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी अट्रैक्टेड मेनली विच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इस जो है 40वीं बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपको ऑप्शन जो है कॉम्बिनेशन करके बताना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी इंटेलेक्चुअल, अर्बन हाई कास्ट एंड पुअर जनरल क्लास। तो इन तीनों सेक्शन जो थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म में जो नाइन्थ सेंचुरी में हुआ उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पुट द डिमांड ऑफ राइट टू इंटर इनटू द टेंपल दैट कॉज्ड टेरिबल राइट इन तिरुनवेली इन 1899। तिरुनवेली में जो ट्राइबल जो डिमांड हुआ था कि टेंपल में एंट्री के लिए, वो कब किया गया था और किसने किया? तो ये किया गया था नादसारा के द्वारा। नादसारा जो कि नादर तमिलनाडु कास्ट साउथ इंडियन से बिलोंग करते थे, इन्होंने 1899 में टेंपल में एंट्री के लिए डिमांड राइज किया। अगला क्वेश्चन है, विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन ऑफ पीपुल इंटरेस्ट। तो महाराष्ट्र के कौन से ऐसे रिफॉर्मर जो स्पोक पर्सन ऑफ द पीपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं? इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख और ये एक एक्टिविस्ट थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल लीग। होम रूल लीग में किन भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा टी एस अलकोट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्टा, जी एस खापड़े और सर एस सुब्रमण्यम। ये सभी ने होम रूल की स्थापना में भाग लिया था 1916 में। अगला क्वेश्चन है, हु व्यूड द खलीफात मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम विच विल टू अपियर अगेन विद इन कमिंग 100 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसको महात्मा गांधी ने बताया कि यही एक मौका है जब हिंदू और मुस्लिम एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सीक्वेंस हुआ था इवेंट का, उसको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ वो नॉन कोऑपरेशन में चौरा चोरी में फायरिंग शुरू हुआ था, आप सभी को पता है। उसके बाद से क्या हुआ था? उसके बाद से जो पुलिस लोगों ने गुस्सा कर पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से जो गांधी जी ने देखा कि बहुत ही हिंसा हो रही है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। फिर
फिर उसके बाद से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिया गया है। और ये घटना जो है 4 फरवरी 1922 को जो है हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। और इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये इस बार के बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज गिवेन हेयर, टू स्टेटमेंट्स आर गिवेन, फर्स्ट एसर्शन एंड द सेकेंड इज रीजन। यू हैव टू रीड द एसर्शन एंड टेल वेदर द रीजन इज गिवेन करेक्ट वेदर और नॉट। तो यहाँ पे आप देखिए, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से दिया गया है एसर्शन में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उसको क्विट इंडिया मूवमेंट से हटा दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और इसका रीजन क्या दिया गया है कि ऐसे मूवमेंट में जो कि फ्रीडम ऑफ इंडिया था वो डिलेड हो जाता, तो इसलिए हटाया गया क्या? तो ये जो रीजन दिया गया है ये रीजन बिल्कुल गलत है। हाँ, एसर्शन इसका बिल्कुल सही है कि क्विट इंडिया से हटाया गया था आरएसएस को, लेकिन जो रीजन था वो ये नहीं था, क्योंकि संघ मेंबर जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस को इस मूवमेंट से हटाया जाए, कांग्रेस को इस मूवमेंट से हटाया जाए, इसलिए आरएसएस को ही हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गुरु ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, आनंद पांडे जो कि एक ट्राइबल रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर संथाल डिक्लेयर दिस मोमेंट जो हिज गवर्नमेंट इन 1855 टू 1856। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया मुंगेर, गया मुंगेर में जो यही रीजन थे जहाँ पे संथाल ने गवर्नमेंट की फॉर्मेशन किया था 1855 से लेकर 1856 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 67वीं जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था 8 मई को उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934। तो ये बनाया गया था, इसमें पूछा गया था कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, और जेपी नारायण ने यहाँ पे मीटिंग किया था 17 मई 1934 में और इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिकेड ऑफ 1830 पटना सिटी वाज द हब ऑफ, 1830 में पटना सिटी किस चीज़ का हब था, सेंटर था? इसका आंसर हो जाएगा वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट जो कि विलायत अली और इनायत अली जो कि दो ब्रदर थे पटना के, उन्होंने वहाबी मूवमेंट शुरू किया था 1830 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ इंडिगो फार्मर इन बिहार। तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बिहार में 1866 से 1886 के बीच में, इसका रीजन था दरभंगा और चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बेस्ट मिनरल ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड। तो बेस्ट मिनरल जो दुनिया की है वो किससे लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग, हजारीबाग से जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो मिनरल होती है वो मिला। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको फिर से एक एसर्शन दिया है और दूसरा रीजन, आपको बताना है कि जो एसर्शन है वो रीजन जो दिया गया है उसका बिल्कुल सही है या नहीं। तो क्वेश्चन है कि एसर्शन आप देख लीजिए कि साउथ बिहार इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ बिहार, और उसका रीजन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस राइज अकॉर्ड इन द साउथ बिहार। तो साउथ बिहार में इंडस जो है वो थे इसलिए डेवलपमेंट हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो साउथ बिहार है वो डेवलप नहीं है, नॉर्थ बिहार ज़्यादा डेवलप्ड है। और नॉर्थ बिहार इसलिए ज़्यादा डेवलप है क्योंकि यहाँ पे इंडस ने अक्वायर्ड किया था साउथ को, इसलिए डेवलप है नॉर्थ बिहार, और साउथ बिहार डेवलप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। रीजन तो सही है लेकिन जो एसर्शन दिया गया है वो फॉल्स है, नॉर्थ बिहार जो है ज़्यादा डेवलप होगा। क्वेश्चन है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था इस बार के बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी में कि नॉर्थ जो टोटल एरिया है बिहार का वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, ऑप्शन भी यही था। तो इसका आंसर हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इन बिहार मर्जेज इनटू गंगा, गंगा में किसका विलय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार गंडक, सोन, घाघरा एंड पुनपुन जो कि गंगा में मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन गंडक, सोन और पुनपुन और घाघरा यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, तो यह एक प्लेन सबलैंड है यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और ये झारखंड में पाया जाता है। फर्स्ट शुगर मिल बिहार का कब बना था और कहाँ बना था, ये बना था जब बिहार जो है उड़ीसा सेपरेट नहीं हुआ था और ये फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था आस्का में जो कि उड़ीसा में है 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिहार जो है उड़ीसा से सेपरेट नहीं होने के होने से पहले का है और जब सेपरेट अगर हो गया तो उसके बाद से मढ़ावरा जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा ए मढ़ावरा। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड कॉपर इन द कंट्री बिहार रैंक्स, तो क्रूड कॉपर के मामले में बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक है तीसरा और ये आपको लेटेस्ट आपको याद करना होगा, आप जो लेटेस्ट सर्वे है उसको आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है, तो आप थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कब का क्वेश्चन है, ये जब झारखंड जो है वो सेपरेट नहीं किया गया था तब, लेकिन अभी इसका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, तो आप लोग इसका आंसर जो है सर्च कीजिएगा गूगल पे और कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ़ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वे स्टेट वांट्स टू रिजाइन ही विल गिव रेजिग्नेशन टू, तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर, जो उप स्पीकर होंगे उनको अपना रेजिग्नेशन देंगे। अगला क्वेश्चन है राइट टू डिजॉल्व राज्यसभा इज वेस्टेड इन, तो जो राज्यसभा को डिजॉल्व करने की जो सिस्टम है वो कैसे होता है, ये होता है दो आर्टिकल 245 में और इसमें जो है बताया गया है कि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है यानी ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट बॉडी है और डिजोल्यूशन नहीं होता है, लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है इनकेस सरकार जो है फॉर्म नहीं होती है तो। और जो राज्यसभा के जो सिस्टम है इसमें हमेशा 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल और जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेंट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज करेक्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग प्रीएम्बल के लिए कौन सा सीक्वेंस सही है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपको ऑप्शन देखिए और इसमें पहला जो ऑप्शन होगा वो यूनिवर्सल सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, उसके बाद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल्स लॉजेज इज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही और सी डज नॉट गेट वोट्स, तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें सिक्योरिटी अमाउंट जो कि चुनाव जो इलेक्शन जो लड़ने से पहले आपको दाखिल करना होता है तो उसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया जाता है तो वो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 10,000 रुपया जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया जाता है और SC ST के लिए 5,000 रुपया है और अगर आपको यहाँ पे 1/6 वोट जो होता है उससे अगर आपको कम मिलता है तो आपका जो अमाउंट है 10,000 रुपया वो आपको फ्रीज कर लिया जाएगा यानी रिफंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे टोटल जो वोट होगा वो 1/6 होगा।
क्वेश्चन है 47, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए इन केस ऑफ लोकसभा, और इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये रेस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो ये आर्टिकल 75 में बताया गया है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1971 में, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, और अभी के डेट में मेंबर जो है वो 545 हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के लीडर कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड, तो ज्वाइंट सेशन किस लिए कराया जाता है पार्लियामेंट का, तो ये कराया जाता है कि कोई ऐसा बिल जिसमें दोनों हाउस की जो सहमति है वो जरूरी है, दोनों हाउसेज की जो व्यू है उसको देखने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू डिस्कस द सच बिल बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट व्यू, तो अलग अलग विचारों को डिस्कस किया जाता है इसके लिए कंबाइन सेशन होता है, और ये सेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन सेटअप और एबोलिश, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो सेटअप या एबोलिश किए जाएंगे किसके द्वारा, तो ये होगा इसका आंसर सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टेन्योर लोकसभा कैन डिजॉल्व, तो लोकसभा को ख़त्म किया जा सकता है अगर टेन्योर जो है 5 साल का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले, ये डिजोल्यूशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा जो कि रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेजिस्लेटिव इन द फॉलोइंग स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिहार में मिलता है, ऑप्शन 4 इसका होगा आंसर। उसके बाद से लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, केरला में है, केरला में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ओनली बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ और स्टेट जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों में इलेक्शन के लिए आर्टिकल 170 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर लोकसभा फ्रॉम बिहार, तो बिहार से जो है अभी फिलहाल 40 मेंबर होते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लैंड बाउंडेड रिवर, लैंड बाउंडेड रिवर कौन सा है, ये है लूनी रिवर, ये आपको ऑप्शन देखना होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये लूनी रिवर जो है लैंड बाउंडेड रिवर है, और ये जो है अरावली के नज़दीक पाया जाता है थार डेजर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय, मॉनसून का ख़त्म होना कैसे पता चलता है, ये पता चलता है प्रेशर कंडीशन जो कि वेस्ट ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर जो का बढ़ाव होता है बढ़ना होता है उससे भी पता चलता है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, तो सबसे लंबी नदी इंडिया की कौन सी है, गंगा रिवर, और इसकी जो लंबाई है 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मर्मूगावा सी पोर्ट कहाँ है, तो मर्मूगावा सी पोर्ट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा एबव सी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी पोर्ट सिटी,
सीपोर्ट सिटी इसमें कैनबेरा नहीं है, सीपोर्ट सिटी बाकी जगह सीपोर्ट सिटी है। एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस मिनिमम फॉरेस्ट कवरेज इज, तो इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए कितना फॉरेस्ट कवरेज होना चाहिए, मिनिमम 33% टोटल लैंड का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर द स्टोरेज ऑफ कोल स्टोन्स रैंक फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 22.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एरिया व्हाट इज द ट्रू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट जो है वो पहले आएगा बाद में आएगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरिया के मामले में सबसे पहले एरिया जो आता है वो राजस्थान का आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है वो आप देखिए, तो क्या होगा सीक्वेंस, सबसे पहले जो है ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपको आएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद से आएगा आपको आंध्र प्रदेश, और उसके बाद से आएगा आपको बिहार। और अगर ये पूछा जाए यानी ऑप्शन डी, और अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, तो राजस्थान इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, द करेक्ट आंसर इज गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करेंट अफेयर, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो होती है सेल टैक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड बिकॉज, अंडर डेवलप इंडिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। और जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 and 2, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसको अब बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। तो इसका आंसर जो होगा, वो प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, 15 मार्च 1950 को, लेकिन आपसे पूछा जाता है आजकल कि नीति आयोग कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द फाइनल कंसेंट टू द ड्राफ्ट ऑफ 5-year plan, 5-year plan को फाइनल कंसेंट प्लानिंग कमीशन, प्रेसिडेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस में प्रोग्रेस हुआ था, राइस के मामले में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम नेशनल इनकम है इंडिया का किससे पता चलता है, ये पता चलता है CSO के द्वारा, यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये काउंट करती है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 1991। तो यहाँ पे 2011 का सेंसस इम्पोर्टेंट है, तो इसके अनुसार जो है इंडिया का पॉपुलेशन है 125 करोड़, और 2021 में जो पॉपुलेशन का जो एस्टिमेशन है वो लगाया जा रहा है 139 करोड़। एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ नॉन डेवलपमेंट आउटले इन 7th 5-year plan, तो इसका आंसर हो जाएगा 18.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स इन द बजट ऑफ, एग्जेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स में कहाँ है, कितना परसेंट है, ये करंट अफेयर से है और इस बार कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 78, व्हाट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, बिहार में कौन सा एग्रीकल्चर है, तो बिहार में जो है वो सबस्टेंशियल एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे जो है प्लेन रिवर है, रिवर पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का चीफ कौन होता है, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी DDO।
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ज्वाइंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी स्टैंड फॉर? ज्वाइंट सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी में किस लिए है? तो ये है ऑनरशिप ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंड्यूसमेंट यानी डेवलपमेंट सेक्टर्स आर इंडिया? तो अभी जो है वो 6 इंड्यूसमेंट सेक्टर हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेक्स टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी? तो इसमें टोटल जो समय लगता है वो 25 करोड़ साल लगता है गैलेक्सी को के अराउंड सन को रिवॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक जो होता है वो मिलता है क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म ग्रेनुअल क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म नेचुरल गैसेज ग्लासेज, हेंस इग्नियस रॉक्स आर बोथ क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल, क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स इज रिचेस्ट? प्रोटीन में सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो ये मिलता है सोयाबीन में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयल इरोजन कैसे पता लगाया जा सकता है? इसको पता लगाने के लिए फॉरेस्ट्री चेक्ट यानी यहाँ पे दिया गया है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड इज? फ्लाइटलेस जो बर्ड होते हैं न्यूजीलैंड में मिलते हैं, इनको कहा जाता है कीवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज सीन ब्लू ड्यू टू? जो समुद्र होते हैं वो ब्लू दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू? तो जो पानी जो होता है हार्ड होता है क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है और सल्फेट होता है। ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर का जो ब्लड ग्रुप है उसको बोला जाता है ओ। ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है क्योंकि उसको किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट और वोल्टेज। वाट और वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक जो भी बिल का पेमेंट होता है वाट और वोल्टेज के आधार पे होता है कि आपको कितना वाट और कितना वोल्टेज का सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंडिंग टू द रिसेंट प्रूफ लाइफ ऑन द अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली? तो जो धरती पे जो जीवन था वो कब से शुरू हुआ? तो ये लगभग आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, यानी बीस लाख के साल पहले शुरू हो गया था जीवन, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? तो इसका नाम है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। और यहाँ पे लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो लिथियम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं अल्फा बीटा गामा रेज। डॉल्फिन को किस में रखा गया है? डॉल्फिन को मेमल्स के ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ईट मीट ऑफ गोट और शीप देन वी आर? तो जब हम मांस खाते हैं तो हम लोग क्या हुए? हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो गोट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है वो एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक एक मेडिसिनल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट जो होता है वो रिफाइनिंग एजेंट होता है और यहाँ पे इसका यूज क्लीनिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ लाइफ साइकिल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज? तो प्लांट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट है वो है रूट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्लाटिरियम क्या है। आर्कियोप्लाटिरियम है एक एंशियंट बर्ड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन द नाइट विंड ब्लोज फास्टली ड्यू इज नॉट फॉर्म बिकॉज जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत तेजी से होता है। हु वन द ऑस्कर, ऑस्कर का अवार्ड जो है वो करंट अफेयर से है, आप स्किप कर सकते हैं। और इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2021 वाला वो नोमैड लैंड के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर जनरली वाज यूज ऑन द पॉट्स ऑफ द क्ले इन हरप्पा, तो कौन सा कलर यूज किया जाता था, रेड कलर, और इस पे ब्लैक कलर का भी थोड़ा बहुत यूज किया गया था पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साप्ता फुल फॉर्म करंट अफेयर से स्किप। अगला क्वेश्चन है टाउन ऑफ बिहार शरीफ इन मेडाइवल वाज इम्पोर्टेंट, बिहार शरीफ का जो टाउन है वो मेडाइवल पीरियड में इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का जो शासन का जो सेंटर था और उसके साथ साथ जो है लर्निंग के लिए यूज किया गया था, यहाँ पे रिलीजियन जो है डेवलपमेंट हुए थे, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विच सेक्ट ऑफ द सूफीज वाज फेमस सेंट ऑफ द सैफरुद्दीन मनेरी, सैफरुद्दीन मनेरी कौन से सेंट प्रसिद्ध हैं, इसका आंसर होगा फिरदौसी, ऑप्शन सी। ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन विच सेक्टर इज द टोटल आउटले ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैक्सिमम, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से है कि कौन सा कंट्री है लार्जेस्ट परचेजर ऑफ अमेरिकन आर्म्स, तो प्रजेंटली 2022 में कौन सा है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया जो है लार्जेस्ट परचेजिंग आर्म करता है अमेरिका से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ नेशनल असेंबली, ये करेंट अफेयर से स्किप कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से है, स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन टेनिस प्लेयर वंस अगेन रैंक फर्स्ट, तो अभी के टाइम में इंडिया जो रैंक फर्स्ट में है वे है एस्ले बार्टली, जो कि एस्ले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से है, स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहाजिर कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी माइग्रेटेड मुस्लिम सेटल इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करेंट अफेयर, स्किप दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से 117, इसमें दिया गया है कि हु प्रेसाइडेड G7 एपेक्स कॉन्फ्रेंस जो था 2020 में था वो US के द्वारा, जो कि कोविड के कारण कैंसिल हुआ, 21 में इटली के द्वारा और 22 में जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ज्यूरी बोर्ड ऑफ फिल्म फेस्टिवल कॉन्स, तो इसका जो है करंट अफेयर क्वेश्चन, स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल्सो करंट अफेयर, स्किप। 120 करंट अफेयर क्वेश्चन, स्किप दिस क्वेश्चन। 121 दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर, स्किप दिस क्वेश्चन। 122 करंट अफेयर, स्किप दिस क्वेश्चन। 123 स्किप दिस क्वेश्चन, करंट अफेयर इज नाउ 123। 123 क्वेश्चन यहाँ पे है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लियो पार्ट्स ऑफ द होल वर्ल्ड इज इंडिया, द अप्रोक्सीमेट नंबर कितना है, तो इंडिया में अभी के टाइम में जो लियो पार्ट की जो संख्या है वो 12,000 से 14,000 के बीच में है और हाईएस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है 3421, यानी 3421 जो लियो पार्ट है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट विनर ऑफ हैवी वेट ग्रेड ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसका आंसर हो जाएगा टाइसन फॉरी, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। टाइसन फॉरी, अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा टाइसन फॉरी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन जो है वे हैं डेविड मालापास और ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर से, स्किप दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 इज रिलेटेड टू करेंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ग्रीन पीस स्टैंड फॉर, ग्रीन पीस इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल सपोर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ रिसेंटली हेल्ड G7 एपेक्स कॉन्फ्रेंस नोवा स्कोशिया इज सिचुएटेड इन, तो अभी जो
मीटिंग हुआ G7 समिट का, जो कि था 47वां G7 समिट। मोटो था बिल्डिंग बैक बेटर, और इसका लोकेशन था कैनबेंस बे स्टेलेप्स कॉर्नवाल। ये जगह का नाम याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी 5 लाख ऑफ इंडियन डाइज ऑफ डिजीज, आइडेंटिफाई इट। तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबर क्लेसिस, यानी टीबी से हर साल 5 लाख लोगों की, इंडियन लोगों की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन डिक्लेयर टू बी गिल्ट ऑफ सीरियस नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली व्हाट इज द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ बिहार। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 29.91%। और यहाँ पे कुछ जो है वो डाउट है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रॉप डेंसिटी ऑफ बिहार। इसको आप लोग इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हैं, प्रेजेंट में 136% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री, लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री को बोला जाता है इकुलेप्टस, और ये एक जीनस ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सिचुएटेड द डिस्प्यूटेड इनरॉन प्रोजेक्ट। इनरॉन प्रोजेक्ट के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड है। व्हाट इज द नासाक, नासाक ये भी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है। व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक में जो लैंड रेवेन्यू रेट है वो कितना दिया गया था, वो 1/6 था, यानी जो भी लैंड में प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 भाग लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज सेट अप इन। तो सेट अप किया गया था 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग, डी का कोड 4, ई का कोड 5, तो इसी तरह ए का कोड हो जाएगा 1, बी का कोड 2, ऐसे आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चन है वो मैथ से पूछे जाते हैं। तो अगला जो 142 से लेकर 150 क्वेश्चन नंबर होगा वो आपको मैथ से क्वेश्चन होगा, और मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, SICI ये सभी क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, अलजेब्रा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी 10 मैथ के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 142 से 150 का आंसर क्या है। तो ये रहा हमारा आज का प्रीवियस ईयर BPSC का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट 150 क्वेश्चन डिस्कस किया। ये क्वेश्चन जो था वो BPSC 1995 40वीं BPSC 1995 में कंडक्ट हुआ था, उसके बारे में था। अब अगले वीडियो में हम लोग 41वीं BPSC जो कि 1996 में डिस्कस करेंगे, 1996 में जो पेपर आया था 41वीं BPSC का, उसको डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टडी कंटिन्यू रखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।